देखो प्रश्नावली 3.4.23 निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन मतलब लुप्तिकरण और प्रतिस्थापन ये सब जान ही रहे हो, तो हम बना रहे हैं, जिसको दिक्कत होगी बोलना। ये सब पुराना टॉपिक हो गया है पढ़ते पढ़ते। तो पहला है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो पहले विलोपन विधि, इसी विधि का नाम है लुप्तीकरण विधि। ये विलोपन विधि इसके बदला दे दे लुप्तीकरण विधि, दोनों में से किसकी से हल करे तो दोनों का एक ही अर्थ है। विलोपन विधि में इसको हम लोग समीकरण एक मान लेंगे, इसको दो, एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो दो वेरिएबल में से एक को लुप्त करना है, तो मान लो x का मामला लुप्त करेंगे, तो x के पीछे कौन सी संख्या है, x ये 1 है, इसके पीछे 1 है ना, समीकरण 1 में पहले समीकरण में x के पीछे 1 है और दूसरे समीकरण में x के पीछे 2 है। तो अगर x को लुप्त करना है तो x के साथ जिसका गुना किया हुआ अंक है, जिस अंक का गुना किया गया है, उस अंक को समीकरण 2 में 2 से गुना है, समीकरण 1 में 1 उससे नहीं तो 1 से गुना है ना। तो समीकरण 2 के x का गुणांक 2 है, इसको पूरे इस समीकरण में गुना कर, माइनस 3 से नहीं कर सकते सर, माइनस 3 से करने का किसको हटाना चाहते हो, y को हटाएंगे तो इसमें तुम किसका किसको लुप्त करना चाह रहे हो इस पर ना निर्भर है। तो इसमें देखो पहला समीकरण में x के का गुणांक 1 है, x के साथ गुणा किया हुआ अंक और y का भी 1 है, दूसरे में x का कितना है 2, दूसरे में y का माइनस 3। तो 1 और माइनस 3 बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 को माइनस 3 के बराबर करने के लिए यानी y के पीछे यहाँ होना चाहिए 3, तब न प्लस 3y माइनस 3y कटेगा। y का दोनों मान, y का गुणांक 1 समीकरण 1 में, समीकरण 2 में माइनस 3 है, माइनस 3 मतलब 3, 3 का गुणा किया हुआ अंक है, माइनस तो है ही, प्योर अंक लिख लो दोनों में, y का समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये y का मान हो गया, समीकरण 1 का गुणांक हो गया x का 1 है ना, दूसरे समीकरण में 2। इसी पर लुप्तीकरण विधि आधारित है, ये समीकरण 1 है, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, समीकरण 1 में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, समीकरण 2 में x का गुणांक 2, y का गुणांक माइनस 3 को हो या 3। अगर x को उड़ाना है, इसके पीछे जो 1 है ये 1, इसको 2 से गुना करेंगे, गुने 2, अगर समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तब न x के पीछे 2 का गुणांक 2 आएगा, ऐसी स्थिति में प्लस 2, और ये भी प्लस 2x है, यहाँ भी 2x रहेगा, इसको समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे पूरे समीकरण को, x x का मामला बराबर होगा, इसको जैसे 2 से गुना कर दो तो कितना होगा, दोनों समीकरण में लुप्तीकरण विधि में x का पहला समीकरण में क्या है गुना किया गया अंक, तो 1 है, इसका मतलब इस 1 का गुना नीचे वाला समीकरण से कर दो, तो 1 का गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, इसलिए 1 रहे तो गुना नहीं करेंगे। इसके बाद बच गया समीकरण 1 में, इसमें x का गुणांक 2 है, x को लुप्त करना है, x के गुणांक 2 से पूरे समीकरण में गुना कर दो, x का गुणांक 2 है तो समीकरण पूरे समीकरण में 2 से गुना कर देंगे,
दो को एक्स को गुना करेंगे दो एक्स, दो को वाई से गुना करेंगे प्लस टू वाई, दो पंचे दस, ये समीकरण तीन हो गया। और समीकरण दो को मिलाओ, जब मिल गया यहाँ भी दो एक्स है यहाँ भी दो एक्स है प्लस दो एक्स है प्लस दो एक्स है, तो एक में दो से गुना करके जो नया समीकरण तीन प्राप्त हुआ है, तो दो और तीन पर ध्यान दो तो ये एक्स कैसे लुप्त होगा, ये एक्स इसमें भी प्लस दू एक्स है इसमें भी प्लस दू एक्स है, इसका मतलब या तो समीकरण दो में से तीन को घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, या तीन में से दो को घटाओ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, घटाओ में माइनस चिन्ह बदल, ये चिन्ह बदलता है ना, तो मान लो दो में से तीन को घटाओ या समीकरण तीन में से दो को घटाओ, ऐसी स्थिति में एक्स लुप्त हो जाएगा। जैसे दो में से तीन को घटाएंगे तो घटाओ में चिन्ह बदलेगा, बदलेगा यहाँ प्लस है तो माइनस, घटाना है तो प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कट गया, देखो एक्स लुप्त होने जा रहा है, माइनस तीन वाई और माइनस दो वाई माइनस पाँच वाई होगा, और प्लस चार और माइनस दस माइनस छ होगा ना, इसीलिए वाई बराबर माइनस छ बटा माइनस पाँच, ये कट गया बराबर छः बटा पाँच, वाई का मान आया छः बटा पाँच, मान लो y बराबर आया छः बटा पाँच, तब छः बटा पाँच y का मान समीकरण एक में बैठाओ या दो में बैठाओ या तीन में बैठाओ जिसमें इच्छा हो, मान लो समीकरण एक में ही बैठाएंगे तो समीकरण एक है, ये तो दो से गुना किया है ना पूरा को, हकीकत में समीकरण एक ही है, तो x प्लस वाई बराबर पाँच, यानी x प्लस वाई बराबर पाँच, वाई का मान है छः बटा पाँच, तो x प्लस छः बटा पाँच बराबर पाँच होगा भगवान जी, और x बराबर पाँच माइनस छः बटा पाँच, इसको हल करेंगे उन्नीस छः पच्चीस उन्नीस बटा पाँच, एक्स बराबर हुआ उन्नीस बटा पाँच और वाई बराबर निकला, अब तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, किसी भी समीकरण में एक्स वाई का मान रख करके देखो, मान लो समीकरण एक या दो जिसमें रखना हो, एक्स प्लस वाई बराबर पाँच है, एक्स और वाई का मान रख करके जोड़ेंगे तो पाँच आना चाहिए, तो इसको जोड़ो, एक्स का मान उन्नीस बटा पाँच जोड़ वाई का मान छः बटा पाँच, इतना को जोड़ो तो बराबर के पहले एल एच वाला एल एच एस वाला पाँच उन्नीस छः पच्चीस बटा पाँच बराबर पाँच आया। तो लुप्तिकरण में अगर एक्स को हटाएंगे, एक्स के पीछे का गुणांक दोनों में देखेंगे, गुणांक एक जैसा हो जाए तब इसका मतलब जोड़ या घटाव करने पर ये उड़ जाएगा। मान लो अगर y को हटाना है, y को लुप्त करना है, लुप्तिकरण विधि या विलोपन विधि से बना रहे हैं, y को हटाना है तो समीकरण है x प्लस वाई बराबर पाँच टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर चार, समीकरण एक और समीकरण दो, इसमें y को हटाने के लिए y के पीछे जो ये गुणांक है, इस y के पीछे गुणांक है, दोनों को एक जैसा करना होगा, इस y के पीछे समीकरण दो में गुणांक है तीन, इस y के पीछे एक है, तो एक को तीन से गुना करेंगे तो यहाँ तीन वाई आएगा, तो कैसे गुना करेंगे, तो बराबर के पहले अगर तीन वाई लाना है तीन से गुना करेंगे, तो बराबर के पहले पूरा में तीन से गुना करेंगे तो बराबर के आगे तीन से गुना करेंगे तो समीकरण प्रभावित नहीं होगा, इसका मतलब समीकरण एक में वाई को हटाना है तो एक और दो के वाई का गुणांक मिलाओ समान होना चाहिए, तो समीकरण एक को किससे गुना करेंगे, तो यहाँ तीन वाई है यहाँ एक वाई है, इसका मतलब तीन से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक को तीन से गुना करने पर, एक को तीन से गुना करेंगे तो समीकरण एक लिखो पहले एक्स वाई बराबर पाँच
इसको तीन से, तो पूरे समीकरण को तीन से गुना करो, तीन का मतलब प्लस तीन से गुना किए, तो तीन को एक्स से गुना करेंगे, तीन एक्स यहाँ प्लस आ प्लस प्लस, तीन को वाई से गुना करेंगे, तीन वाई प्लस प्लस प्लस, तीन पंच पंद्रह। समीकरण एक को तीन से गुना किए तो नया समीकरण प्राप्त हुआ, तो इसका नाम रखो समीकरण तीन। अब देखो समीकरण तीन को गौर करो और समीकरण दो को गौर करो, यहाँ तीन वाई है माइनस में, यहाँ प्लस में तीन वाई, इसका मतलब अगर जोड़ देते हैं समीकरण दो और तीन को तो माइनस तीन वाई और प्लस तीन वाई कट जाएगा, तो लुप्त हो गया वाई, क्योंकि किसी भी समीकरण में दो वेरिएबल दिया हुआ हो तो एक वेरिएबल को लुप्त करके हिसाब बनाओगे तो दूसरे वेरिएबल का मान निकलेगा, दूसरे को अगर मान लो दूसरे को लुप्त कर देते हैं y को लुप्त करेंगे तो x बचेगा, x का मान निकलेगा, यही लुप्त करने का काम होता है, इसलिए इस विधि का नाम है लुप्तीकरण या विलोपन विधि। तो समीकरण दो और तीन को दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस तीन वाई है यहाँ प्लस तीन वाई, तो जोड़ने पर कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण दो और तीन को जोड़ने पर, ये लिख करके इसके बाद जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो समीकरण दो हो गया टू एक्स माइनस तीन वाई बराबर चार, समीकरण तीन में हो गया तीन एक्स प्लस तीन वाई बराबर पंद्रह है ना, जोड़ो दो तीन पाँच एक्स ये कट गया, चार पंद्रह उन्नीस, इसीलिए एक्स बराबर वाई को लुप्त करो या एक्स को, और वाई एक्स का मान किसी समीकरण में बैठा देंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, तो लुप्तीकरण में तू लोग कैसा भी हिसाब बना लेगी, बेस ऑफ अलजेब्रा में समीकरण को धूमधाम करके पढ़ा दिए हैं, तो नो प्रॉब्लम इसमें। तब है कहता है एक विधि और प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, उसमें भी नहीं प्रॉब्लम है, तो इसमें बोलो कौन सा हिसाब लगा है, नहीं बनेगा वही उसी को बनाया था, चौथा लुप्तीकरण विधि से बनाना है, किसको हटाना चाहती है, बच्चा को जोड़ भी सकते हैं नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जो मतलब भिन्न जोड़ करे वाई को हटाना है, देखो नहीं बोल रही है वाई, इसको हटाने का काम भारी लगता है, वाई को हटाएंगे तो समीकरण एक में देखो क्या है, ये हो गया समीकरण एक, एक है तुमको वाई हटाना है तो वाई देखो टू वाई बटा तीन है प्लस में, यहाँ है माइनस वाई बटा तीन, तो दोनों कैसे बराबर होगा, नीचे वाला हर मिल रहा है, वाई बटा तीन में दो वाई बटा तीन में नीचे वाला मिल गया, ऊपर में दो से गुना है, इसका मतलब ये दो समीकरण में दो से गुना कर देंगे तो दो एक्स यहाँ दो वाई बराबर तीन दूनी छः आ गया, बन जाएगा। एक्स को हटाने के लिए कितना से गुना करेंगे, समझे बन जाएगा ना, तो इसको समाप्त समझा जाए जी, जी। चलो देखो अगला प्रॉब्लम, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी ये जो प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है रैखिक समीकरण का युग्म यानी जोड़ा बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, तो किसका अस्तित्व हो, तो समीकरण का मतलब समीकरणों की युग बनाइए और उनके हल यानी x और y मान लो वेरिएबल मानोगे, अगर उसका अस्तित्व होगा तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए।
अब देखो पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो अंश और हर की चर्चा है, तो अंश बटा हर की चर्चा है, इसका मतलब यानी एक भिन्न हो गया इसकी चर्चा है। तो मान लो अंश एक्स है और हर वाय है, तो भिन्न क्या हो गया? अंश बटा हर एक्स बटा वाय। तो माना कि किसी भिन्न का अंश एक्स है एवं हर वाय है। प्रश्न में जो है हम अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे, तो अंश हर नहीं दिया हुआ है, तो अंश को एक्स हर को वाय मान लो, अंश को एम और हर को एन मान लो, कोई दो वेरिएबल मान लो, तो एक्स बटा वाई भिन्न हो गया। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यानी अंश है तुमको एक्स बटा वाई में एक्स, तो अंश में कहता है एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, अंश बटा हर, हर वाई है एक घटा दो, तो भिन्न एक में बदल जाता है, तब ये भिन्न कितना हो जाता है? बराबर एक। समझे? तो देखो ये पहला समीकरण बन गया। फिर कहता है यदि हर में एक जोड़ दे, यानी ये जो भिन्न है एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई ये भिन्न जो है, यदि हर में एक जोड़ दे तो अंश ये हर ये इसमें कहता एक जोड़ दे, तो यह एक बटा दो हो जाता है, तो ये भिन्न जो है कितना हो जाता है? एक बटा दो। इसको समझे? जी। तो ये हो गया समीकरण दो। तो वह भिन्न क्या है? भिन्न जो है एक्स बटा वाई, तो दोनों समीकरण से एक्स और वाई का मान निकाल लो। आता है किस विधि से बनाने? नहीं, विलोपन विधि। तो समीकरण एक को पहले सीधा करो, तीर्था गुना करेंगे तो x प्लस वन, नीचे में कुछ नहीं है तो एक, एक से तो x प्लस वन हो गया बराबर y माइनस वन, को एक से गुना करेंगे तो y माइनस वन रहेगा। बोलो इतना हुआ समीकरण एक? विलोपन विधि है ना, विलोपन। तो x अब प्लस वाई को पीछे लाओ तो माइनस वाई बराबर माइनस एक, इस प्लस एक को आगे ले जाओ माइनस एक, इसीलिए एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक माइनस एक माइनस दो, ये समीकरण तीन हुआ है। दो तो एक, दो वाला ये है, समझे इसको? अब समीकरण दो को हल करेंगे तो तीर्था गुना करो, दो को एक्स को गुना करेंगे दो एक्स हो गया बराबर, एक से इसको गुना करेंगे तो वाई प्लस वन ही रहेगा, समझा? इसको टू एक्स अब प्लस वाई को बराबर पहले लो, माइनस वाई बराबर एक रह गया आगे समीकरण चार। तो जब सीधा कर लिए अब तरीका अपनाना है विलोपन विधि। तो समीकरण एक में एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये हो गया समीकरण तीन, ये है चार, है ना? इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में एक वेरिएबल को गायब करना है, अगर एक्स को गायब करेंगे तो समीकरण दो में दो एक्स है, समीकरण तीन में एक एक्स है, बराबर करेंगे तब ना मान लो समीकरण तीन में से चार को घटाएंगे, और यहाँ मान लो दो आ जाए तो दो आएगा कैसे? बराबर के पहले दो से गुना करो, बराबर के आगे भी करो, यानी समीकरण तीन को ही दो से गुना कर दो, तब एक्स मिल जाएगा ना, एक समान एक्स का गुना। तो समीकरण तीन को दो से गुना करने पर लिखेंगे समीकरण तीन हो गया एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, इसको दो से गुना करो, दो को एक से गुना करेंगे दो एक, ये दो का मतलब प्लस दो, तो प्लस और माइनस माइनस, दो को ऐसे गुना करेंगे दो आए प्लस और माइनस माइनस, दो दूनी चार, ये समीकरण पांच मान लो। अब समीकरण चार,
और समीकरण पाँच को मिलाओ, चार में दो एक्स आ गया, पाँच में भी दो एक्स आ गया, इसका मतलब समीकरण चार में से या तो पाँच घटा दो या पाँच में से चार घटाओ। दोनों स्थिति में अगर चार में से पाँच घटाएंगे तो इसका तीन बदलेगा, यहाँ माइनस टू एक्स होगा, माइनस टू एक्स होगा, यहाँ प्लस टू एक्स है, ऐसी स्थिति में कट जाएगा एक्स, लुप्त हो जाएगा। तो समीकरण चार में से पाँच घटाने पर जो चार है तुमको दो एक्स माइनस वाई बराबर एक है ना, चार पाँच है दो एक्स माइनस दो वाई बराबर माइनस चार। समीकरण चार में से पाँच को घटाना है यानी नीचे वाला को घटाना है तो तीन बदल दो, घटाओ में तीन बदलता है, तो यहाँ प्लस दो एक्स है, यहाँ माइनस दो एक्स कट गया यानी लुप्त हो गया, माइनस वाई प्लस दो वाई वाई प्लस चार प्लस एक पाँच वाई बराबर पाँच निकला। समीकरण तीन में वाई का मान रख दो तो एक्स माइनस वाई का मान पाँच बराबर माइनस टू, इसीलिए एक्स बराबर माइनस टू और माइनस पाँच आगे जाएगा तो प्लस पाँच, ये कितना हो गया तीन, आंसर निकला एक्स बराबर तीन वाई बराबर पाँच, समझे। तो अंश बता हर क्या हो गया, एक्स का मान तीन वाई का मान पाँच यानी तीन बटा पाँच हुआ है ना। अगर मान लो इसमें हम लोग तीन और चार में वाई को हटाते तो यहाँ माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, इसका मतलब तीन में से चार घटाएंगे तो माइनस तीन बदल कर प्लस वाई हो जाएगा, तो पर भी ये वाई लुप्त हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, एक्स का मान निकलेगा, एक्स का मान समीकरण तीन में बैठा देंगे तो वाई का निकलेगा, तब कहोगी ये आंसर तुम्हारा सही है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। भिन्न प्राप्त हुआ, तीन बटा पाँच प्राप्त हुआ ना, अब देखो तो प्रश्न के अनुसार मिलाते जाओ, भिन्न हो गया तुमको तीन बटा पाँच, अब क्या क्या कह रहा है मिला लो। अतः यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यानी तीन बटा पाँच जो ये भिन्न हुआ है तो अंश में कहता है एक जोड़ दीजिए और हर में से एक घटा दीजिए, हर में से एक घटा दो तो समीकरण तीन एक चार, पाँच में से एक किया चार, चार बटा चार बराबर एक। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो वह भिन्न एक हो जाता है, एक हो गया, एक जोड़े एक घटाए कट करके एक हो गया तो एक में बदल गया, एक आंसर मिल गया, टेस्ट हो गया। फिर कहता है यदि हर में एक जोड़ दे यानी तीन बटा पाँच जो भिन्न है तो तीन बटा पाँच में कहता है सिर्फ हर में एक जोड़े तो यह एक बटा दो होता है, अब देखो होता है तो तीन पाँच एक छः, तीन एक तीन, तीन दूनी छः, एक बटा दो हो गया, यानी तुम्हारा आंसर भिन्न तीन बटा पाँच सही है, समझे इसको। देखो पाँच बार पूर्व उम्र वाला हिसाब में तुम लोग को कई बार कहे हैं, वर्तमान उम्र को पहले मान करके चलो, दस साल बाद या दस साल पहले दिया है इससे नहीं मतलब है। तो पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अभी कुछ आयु होगा जी तब ना पाँच वर्ष पहले का निकालेंगे। तो मान लो, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष तथा पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, पाँच वर्ष पहले न थी जी। अभी नूरी का कुछ आयु होगा और सोनू का कुछ भी होगा, तो नूरी का वर्तमान आयु मान लो एक्स वर्ष तथा सोनू का वर्तमान उम्र इसे मान लो वाई बार, पहले तो वर्तमान उम्र मानो
तब दोनों का पांच वर्ष पहले कितना होगा, नूरी का अभी है एक्स वर्ष, तो पांच वर्ष पहले एक्स माइनस पांच, इसमें नहीं शंका है, अभी तुम्हारा उम्र है सौ वर्ष, तो पांच वर्ष पहले सौ माइनस पांच, अभी है एक्स वर्ष, तो पांच वर्ष पहले एक्स माइनस पांच, इसलिए नूरी की पांच वर्ष पहले की आयु कितना होगा, अभी है एक्स वर्ष, पांच वर्ष पहले एक्स माइनस पांच वर्ष होगा, तथा सोनू की पांच वर्ष पूर्व आयु वर्तमान में कितना है सोनू का, वाई वर्ष, तो पांच वर्ष पहले वाई माइनस पांच वर्ष होगा, जो प्रश्न में है वही लिख रहे हैं, सिर्फ वर्तमान वाला उम्र मान लिया है, तो अब प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या कर रहा है, तो वर्तमान उम्र मान करके पांच वर्ष पहले का निकाल लो, अब देखो कह रहे पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, इसको कैसे लिखेंगे हुबहू, प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है पांच वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी, सोनू की आयु की तीन गुनी, यही लाइन देखो तो, प्रश्न से पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु का तीन गुना, तीन गुना, यही ना प्रश्न में, तो पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना है, देखो नूरी की पांच वर्ष पूर्व एक्स माइनस पांच, तो इसका वैल्यू दो, एक्स माइनस पांच बराबर सोनू की आयु पांच वर्ष पूर्व कितनी थी, वाई माइनस पांच वर्ष, दो पद है कोर्ट में का तीन गुना, यानी गुने तीन होगा, ये समीकरण निकल गया x माइनस पांच बराबर तीन वाई से गुना करेंगे, तीन वाई माइनस तीन पंच पंद्रह, इतना निकला, एक समीकरण तुमको हो गया, x माइनस पांच बराबर तीन वाई माइनस पंद्रह निकलता जा रहा है, जैसा प्रश्न है उसी के अनुसार को हल करो, इसीलिए x बराबर तीन वाई माइनस पंद्रह, माइनस पाँच इधर जाएगा तो प्लस पाँच, इसीलिए x बराबर तीन वाई माइनस दस होगा, समीकरण एक, तो समीकरण एक में x का मान निकला, x बराबर तीन वाई माइनस दस, समीकरण एक, गुरु इतना तक समझे, पुनः कह रहा है दस वर्ष पश्चात, यानी अभी से दस वर्ष बाद नूरी की आयु, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, छोड़ दिया है सोनू की आयु लिखना, है ना, दस वर्ष के बाद नूरी का आयु होगा कितना, तो अभी कितने वर्ष का है, माना कि नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, तो नूरी की आयु दस वर्ष पश्चात यानी बाद कितना, अभी कितना है नूरी का एक्स वर्ष, दस वर्ष बाद एक्स प्लस दस वर्ष होगा, तथा सोनू की आयु दस वर्ष पश्चात, अभी कितना है सोनू का आयु वर्तमान उम्र वाई वर्ष, तो दस वर्ष पश्चात वाई प्लस दस वर्ष होगा, बोलो समझ रहे जी वर्मा, लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू
आयु की दोगुनी हो जाएगी। जितेंगे प्रश्न से 10 वर्ष बाद, प्रश्न से 10 वर्ष के बाद यानी 50, यही लाइन लिखू, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु कितना हो जाएगा बराबर सोनू की आयु की दोगुनी, यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की दोगुनी, सोनू की आयु की दोगुनी। इसको 10 वर्ष बाद नूरी का उम्र कितना है देखो, नूरी की आयु 10 वर्ष 50 x+10 वर्ष, इसका मान हो गया x+10 वर्ष। सोनू की आयु, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद y+10 की दो गुनी यानी गुना दो। दूसरा समीकरण निकला, दूसरा समीकरण निकला x+10 बराबर 2y, गुना करेंगे 2y+2 = 20। दूसरा समीकरण निकल गया, इसीलिए x=2y+20+10 इधर जाएगा -10, इसीलिए x=2y-10। समीकरण प्लस दस होगा, मिस हो गया, ये हो गया समीकरण एक। दो पहला समीकरण है x=3y-10, ये समीकरण एक। एक और दो में x का मान है, एक और दो से समीकरण एक और दो से इतना बराबर इतना होगा यानी 3y-10 = 2y+10। इसीलिए 3y+2y को इधर लाओ 2y, ये 10-10 को इधर ले जाओ 10, इसीलिए y=20। माना कि सोनू की आयु वर्तमान उम्र y वर्ष है, तो इसका निकल गया 20 वर्ष। और किसी समीकरण एक या दो में y का मान बैठाओ, मान लो एक में ही बैठाए तो 3 y का मान 20-10 60-10 = 50, ये हो गया 50 वर्ष का। समझे इसको, आसान है ना। अब मिला उसको हिसाब तुम्हारा कितना निकला है, आंसर सही है कि नहीं, टेस्ट कैसे करेंगे, तो अब देख लो कैसे टेस्ट करते हैं, ये सभी चरण चरण सीखते जाओ। अब देखो नूरी की वर्तमान आयु कितना निकला है, नूरी का निकला है 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष निकला। सेटिंग करो प्रश्न में क्या क्या कह रहा है, उसके अनुसार बात मिल जाए कि नहीं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी अभी ये 50 साल का, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा, अभी है 50, तो 5 वर्ष पूर्व 50-5=45 वर्ष होगा। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू अभी है 20 साल का, तो 5 साल पहले सोनी की आयु 20-5=15 वर्ष। तो अब मिलाओ तो दोनों में क्या संबंध है, 5 वर्ष पहले नूरी था 45 साल का, सोनू था 15 साल का, तो नूरी 3 गुने उम्र का था। देखो तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले सोनू का 15 साल था, नूरी का 45 साल, तो 15 + 45 3 गुना हुआ। एक बात मिल गई ना। दूसरा कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष के बाद नूरी का वर्तमान उम्र 50-10 = 60 वर्ष होगा, इसका 20-10 = 30 वर्ष होगा। देखो
सोनू था 30 साल का तो नूरी थी 60 साल का, 10 साल बाद ये दूना हो जाएगा, नूरी का उम्र क्या कहता है दोगुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की दोगुनी, किसका नूरी का, मिल गया, एकदम आसान है, समझे ना इसको जी। चलो देखो बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब है, अंक वाला जो भी हिसाब बनाओगे ना इस टाइप का, ये तो बतलाया भी है, दो अंकों की संख्या संख्या लिखा, संख्या लिखा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंक वाला कोई संख्या है, हो सकता है 63 हो, देखो तो इस संख्या का पहला अंक 6 दूसरा अंक 3 है, दोनों का योग 9 है, या मान लो हो सकता है 54 हो, 549 हो सकता है, 36 हो, है ना, अगर 63 है तो इकाई दहाई, इकाई का अंक 3 और दहाई का 6 है, तो इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे, इसका मतलब दो अंकों की संख्या में दो ही अंक होता है, इकाई अंक और दहाई अंक, तो लिखेंगे माना कि दो अंकों संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तो प्रश्न से संख्या के, देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है जी। तो प्रश्न से संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग बराबर 9, तो संख्या के अंकों का योग कैसे लिखेंगे, संख्या का पहला अंक है दहाई अंक y, इकाई अंक x, तो यानी y प्लस x हो या x प्लस y, दो संख्या के अंकों का योग 9, तो अंक तो x है y है, भले ही इकाई दहाई अंक अलग अलग है लेकिन दोनों का योग 9 है, तो 9 होगा, हाँ x, इसीलिए x बराबर 9 माइनस y, ये हुआ समीकरण 1, कितना तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं। यहाँ तक हम लोग बना लेंगे, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, तो दो अंकों की संख्या बनाएंगे कैसे, ये तो दो अंकों की संख्या का अंक है, मान लो दो अंकों की संख्या है 52, तो इकाई दहाई अंक 52, तो ये बनता है कैसे, इकाई अंक ये हो गया और दहाई अंक 5 हुआ, यानी दहाई अंक 5 इकाई अंक 2, तो संख्या कैसे बनाएंगे, इकाई दहाई, दहाई यानी 10 गुने दहाई स्थान पर 5 है तो 10 गुने 5 जोड़ इकाई मतलब 1, इकाई स्थान पर 2 है तो 2, देखो 10 पंचे 50 जोड़ 1 दूनी 2 बराबर 52 हुआ, ये तो बतला दिए हैं, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक दिया रहे, दहाई अंक में 10 से गुना कर देंगे, है ना, इकाई दहाई यानी 10 दहाई पर है तो 10 गुने 5, दहाई पर 5 है तो 10 गुने 5 जोड़ इकाई यानी 1 गुने इकाई स्थान पर 2 है तो 2, इसी तरह मान लो अब इसमें देखो दहाई अंक क्या है, दहाई अंक y है तो दहाई अंक हो गया y, इकाई अंक x, तो इसको कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई यानी 10 गुने दहाई अंक पर y है तो y जोड़ इकाई दहाई यानी इकाई यानी 1 गुने इकाई स्थान पर x है तो गुने x, तो संख्या कितना हो गया, 10 y प्लस x, 10 y प्लस
एक्स होगा जी, यानी संख्या बराबर 10x + 10y + x, ये हुआ होगा ना। अब क्या कह रहा है देखो, इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, जो संख्या इकाई और दहाई अंक से बनता है, तो उस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या बना इसका 9 गुना, समझ रहे हो बात को? 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर मान लो 63 है कोई संख्या दो अंक वाला, तो पलटेंगे तो 3 पहले 6 बाद में आया, तो ये जो तुमको है इकाई अंक x, इकाई दहाई, दहाई अंक y, ये जो संख्या हुआ इससे जो बना इकाई दहाई यानी 10y + x, ये तो संख्या बना। लेकिन कहता है संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी x पहले आ जाएगा y बाद में, तो ये संख्या बना, ये संख्या बना तो इकाई दहाई, यानी नई संख्या क्या होगा, 10x इकाई दहाई प्लस इकाई यानी 1 गुने वाई, तो ये हो गया 10x + y, होगा ना जी। तो लिखेंगे इसको अब प्रश्न से दो अंकों की संख्या को पलटने से दो अंकों की संख्या पहले वाई एक्स, अब पलटेंगे तो हो गया एक्स वाई, इकाई दहाई, दहाई अंक एक्स हो गया, दो अंकों की संख्या को पलटने से दहाई अंक कौन बन गया, इकाई संख्या ये है पहले इकाई दहाई, अब पलट दो इकाई वाला दहाई पर आ गया, ये बना इकाई दहाई, दो अंकों की संख्या को पलट देंगे तो देखो दहाई स्थान पर एक्स गया, यानी 10x + y इकाई यानी 1 + 1 × y यानी y, दो अंकों की संख्या को पलटने से दहाई अंक हो गया तुमको इकाई दहाई, दहाई अंक हुआ x होगा ना, पहले था y x अब हो गया x y, तो दहाई अंक हो गया x, इकाई अंक इकाई दहाई, इकाई अंक y हुआ, समझे? अतः अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या कितना हो गया, नई संख्या बराबर इकाई पर यह है दहाई पर एक्स है, दहाई तो 10 × x जो इकाई 1 × y यानी y बराबर 10x + y, समझे इतना। अंकों को पलटने पर नई संख्या 10x + y हुआ, कौन जी? अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या कितना हो गया, 10x + y, बोलो इसको समझी। प्रश्न में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी पहले वाली जो ये संख्या है इसका 9 गुना है ना, लिखेंगे अब प्रश्न के क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना यानी पहले वाली संख्या का 9 गुना, तो प्रश्न से पहले वाली संख्या का 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना,
संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या ये है, यानी नई संख्या का दो गुना यानी बराबर नई संख्या का दो गुना। ऐसे लिखेंगे जो प्रश्न में है वो बहु, पहले वाली संख्या का नौ गुना कितना होगा, पहले वाली संख्या है 10y + x, दो पद में है कोष से घेर दो, तो पहले वाली संख्या का नौ गुना यानी गुने नौ होगा बराबर नई संख्या का दो गुना। नई संख्या कितना है अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या 10x + y, तो 10x + y का दो गुना यानी गुने दो समझे। तो एक ये क्वेश्चन बन गया, ये हो गया 10y + x गुने नौ बराबर 10x + y गुने दो, ये प्राप्त हुआ है। अब इसको हल करो, 90y + 9x बराबर 20x + 2y होगा। यहाँ x का मान निकाले हैं, x का ही मान निकालेंगे, तो मान लो कि 9x छोटा है 20x बड़ा है, तो 90y इसको इधर लाएंगे -2y बराबर 20x, इधर जाएगा तो -9x, 90 में से 2 घटा 88y बराबर 20 में से 9 गया 11x, 88y बराबर 11x हुआ, यानी ये हुआ 88y बराबर 11x हुआ ना, और 88y बराबर 11 गुने एक्स, एक्स बराबर 9 - y है, तो 9 - y देखो दो पद है तुरंत कोष में घेरेंगे, ये सब याद रखना, इतना होगा। और 88y बराबर 11 - 99 माइनस 11y और 88y माइनस इधर आएगा तो प्लस 11y बराबर 99 होगा ना, 88 + 11 = 99 होगा, यानी 99y बराबर 99 इसीलिए y बराबर 99/99 बराबर 1, y बराबर 1 निकला, तो y बराबर 1, y का मान बैठा दो समीकरण 1 में, x बराबर 9 - y, तो 9 - y का मान 1 बराबर 8, x बराबर कितना निकला 8, समझे। अब कहता है वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या मतलब पहले वाला संख्या 10y + x है, इसीलिए पहली संख्या बराबर 10y + x, 10y का मान कितना है 1 + 8 होगा, 10 × 10 = 18, कितना हुआ आंसर 18, तो 18 हुआ, यानी संख्या हो गया 18 है ना, पुरानी संख्या 18, नई संख्या उल्टेंगे तो 81 आएगा, हल करके भी आएगा ना। अब मिलाओ तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 1 + 8 = 9 है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, यानी कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो ये संख्या बनी संख्या का दो गुना है, इस संख्या का 9 गुना, यानी इसका जो 9 गुना है 18 × 9 = 162 होगा ना, तो
इस संख्या का नौ गुना यानी पहले वाली संख्या का नौ गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या वो तो 81 है का दो गुना है यानी दो से गुना करो तो अंक पलटने पर जो 81 प्राप्त हुआ 81 गुनी 162 देखो तो बराबर है आंसर मिल गया यानी क्वेश्चन आंसर सही है क्वेश्चन के अनुसार मिल गया समझे कि रिवाइज करे समझे बोल तो समझा लंबू तो ये सब हिसाब जो है सिंपल हिसाब है इक्वेशन खाली आना चाहिए है ना तो अगले पार्ट में बतलाया जाएगा।